नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से अपने मोबाइल की डिस्प्ले को सिग्नेचर लगाकर लॉक लगा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता लेता हूँ आप किस प्रकार से अपने मोबाइल की डिस्प्ले को सिग्नेचर लगाकर लॉक लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाना है। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाके आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गेस्चर लॉक स्क्रीन। तो मैंने यहाँ से पहले से उसको सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद हमें जो सबसे पहले यहाँ पे ऐप दिखे दे रही है जिसका आइकन आप देख सकते हो, उसको अपने मोबाइल के अंदर हमें इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं आपको इंस्टॉल करके बता लेता हूँ आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो इसको लगभग 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार है, मतलब ये ऐप काफ़ी शानदार है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको बता लेता हूँ आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है ओपन, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसको कुछ नोटिफिकेशन है उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अलाउ कर लेता हूँ। अलाउ करने के लिए पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आपको क्या अलाउ करना है वो आपको यहाँ से अलाउ करना है। तो अलाउ करने के लिए हमें ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने पर हमें यहाँ पे दिया हुआ परमिशन मैनेजर, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पॉपअप को यहाँ से ऑन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद हमें वापस बैक जाना है। फिर हमें वापस यहाँ पे ओके का बटन दिया हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें अपने सिग्नेचर यहाँ पे लगाने हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अपने सिग्नेचर लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने सिग्नेचर लगा लिया है, अब मुझे यहाँ पे वापस इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कन्फर्म भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे रिकवर करने के लिए यहाँ पे वापस ओके पे क्लिक करना है, कभी हम भूल जाए तो हम उस की के द्वारा इसको डायरेक्ट वापस ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड भी लगा लेता हूँ, कभी मेरा सिग्नेचर यहाँ पे वर्क नहीं करे तो मैं डायरेक्ट पासवर्ड के थ्रू भी इसको ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने सिग्नेचर को भूल जाऊँ तो डायरेक्ट मैं पासवर्ड के थ्रू भी इसको ओपन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड लगा लेता हूँ और पासवर्ड लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक आगे कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं वापस दोबारा कन्फर्म करने अपने पासवर्ड को, और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग दी हुई है, यदि आप इसकी सेटिंग में कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है शो नोटिफिकेशन बार, तो हमें यहाँ से इसको बंद कर लेना ताकि हमें नोटिफिकेशन बार यहाँ पे शो ना हो, तो मैंने यहाँ से हटा लिया है। तो चलिए अब मैं अपनी डिस्प्ले को ऑफ करके आपको बता लेता हूँ हमें किस प्रकार से इसको ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने सिग्नेचर लगा के अपने लॉक को ओपन कर लेता हूँ। लॉक को ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे अपने सिग्नेचर लगाने हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे लॉक ओपन हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर लगाकर अपने लॉक को ओपन करना है। यहाँ पे हमें कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे लिखा है चेंज गेस्टर, यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, और यदि आप अपने रिकवर पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और नीचे आने पर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड, हमें यहाँ से अपने लॉक का जो बैकग्राउंड चेंज करना, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। आप इसके अंदर जो भी चूज करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो, फिर आपको यहाँ से फिर आपको सेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।